अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोला कबाब की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए मिंस यानी कि कीमा 500 ग्राम। मैंने यह मटन के लिए, आप इसकी जगह चिकन या फिर बीफ भी ले सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें शामिल करेंगे फ्राई किया हुआ प्याज। बेसन शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। रेड चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। शामिल करेंगे इसमें धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। अब हम शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। नमक शामिल करेंगे हसबे ज़रूरत। अब इस तमाम चीज़ों को हम फूड प्रोसेसर में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे एक कोयला लिया है दहकता हुआ। 2 से 3 ड्रॉप्स हम ऑयल के डाल के इसे 20 से 30 सेकंड के लिए कवर करके रख देंगे। गोला कबाब के लिए आप किसी भी किस्म की स्ट्रो या फिर रोड ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रो ली है। हाथों को अच्छे से ग्रीस करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, उसे अच्छे से राउंड कर लेंगे इस तरह से। बेसिकली हमें इसे गोला कबाब की शेप देनी है। देखिए इस तरह से 500 ग्राम मिंस में हमारे 6 से 7 गोला कबाब तैयार होंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया, उसे मैंने प्री हीट किया है 5 मिनट के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है मैंने यहाँ पर। गोला कबाब को हम शेलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। अच्छे से पकाते हुए हमें इसे गोल्डन करने हैं दोनों साइड से, ताकि हमारे गोला कबाब अच्छे से गोल्डन हो जाए। गोल्डन होने के साथ साथ हमें बेसिकली इस चीज़ का ख्याल करना है कि हमारे कबाब अच्छे से पक जाएं, इसलिए 3 मिनट एक साइड से और 3 मिनट दूसरी साइड से हम इसे अच्छे से पका लेंगे। गोला कबाब हमारे ऑलमोस्ट रेडी है। इस तरह से मैं सारे कर लूंगी, बचे हुए भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। स्टेज पे आप चाहे तो इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसे यूनिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया एक लार्ज साइज का अनियन, जिसे कि मैंने रफली राउंड शेप में कट कर लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है मैंने इसमें। इसे हमें यहाँ पे सिर्फ लाइटली सोटे करना है, कलर चेंज नहीं करना है इसका। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना करें। आप बस सिंपली उसे फ्राई करके सर्व कर सकते हैं सॉसेस के साथ या किसी भी चटनी के साथ, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा ये यूनिक हो जाएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने फ्राई किए हुए गोला कबाब। बाकी के रिमेनिंग कबाब भी मैंने फ्राई करके इसी में शामिल कर लिए हैं। 20 से 30 सेकंड के लिए हम इसे लाइटली मिक्स कर लेंगे। हमारे गोला कबाब तैयार हैं, अब हम इसे सर्व करेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।